इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। 7 नवंबर 2021, विश्वास की घोषणा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन के लिए ईश्वर की योजनाएं महान है। वह मेरे कदमों को निर्देशित करता है। हालांकि मैं यह हमेशा नहीं समझ पाता कि कैसे। मैं जानता हूं कि मेरी स्थिति ईश्वर के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। वह मेरे लाभ के लिए हर विवरण पर काम करता है। उसके समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। यह मेरी घोषणा है। दिव्य स्वास्थ्य की स्वीकारोक्ति। मेरे स्वास्थ्य और समृद्धि में बाधा डालने के लिए कोई भी ताकत पर्याप्त नहीं है। मुझे आत्मिक मृत्यु से निकालकर मृत्युहीन क्षेत्र में लाया गया है। मेरे पास अनंत जीवन अभी है, इसलिए मैं हर उस चीज में जीवन लाता हूँ जिसे मैं छूता हूँ। मैं बीमारी, निर्धनता और शैतान की सभी चालों, धोखों पर पूरी जीत और महारत में रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास मसीह का प्रभुत्व है। हालेलुया। मैं जैसा कहूँगा मुझे यीशु के नाम पर वही मिलेगा। मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ, मैं ईश्वर और मानव जाति का कृपा पात्र हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, ना कि जो मैं देखता हूँ। मैं एक अनमोल बीज हूँ। मुझे अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है। मेरे प्रभु के दरबार में मैं ताड़ के पेड़ की तरह चमक पनपता हूँ। मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करता हूँ। मैं पौधों के रस से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी प्रभु में हरा हूँ। मैं ताजा और समृद्ध होऊंगा। मेरा पत्ता कभी नहीं मुरझाता और जो कुछ भी मैं यीशु के नाम पर करता हूँ संपन्न हो जाता हूँ। यीशु के नाम में चीजें हमेशा मेरे लिए काम कर रही है। मैं मसीह यीशु में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। यीशु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं। मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को आज्ञा देती है। मेरा अंतर्मन सुनता है, पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पालन करता है। ईश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में स्पष्ट और व्यक्त है। मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ। मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ। मसीह के मनोभाव की तरह परिपूर्ण हो जा और मैं तुम्हें ईश्वर के शब्द द्वारा संरेखित करने की आज्ञा देता हूँ। मैं अपने कांडरा अर्थात स्नायु और नसों के लिए जीवन बोलता हूँ। मैं अपनी मांसपेशियों और स्नायु बंधन को ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से बड़ी जीवन शक्ति की बात कहता हूँ। मैं सामान्य वेंटिलेशन अर्थात वायु संचार और छिड़काव अनुपात बनाए रखने के लिए अपने फेफड़ों और ऊतकों से बात करता हूँ। मैं अपनी किडनी को परिपूर्णता बोलता हूँ। मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हड्डी, जोड़ और उपास्थि संरेखित, मजबूत और दृढ़ है। मेरी उंगलियां उत्कृष्ट रूप से कार्य करती है। मेरी आंखें स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान इष्टतम काम करते हैं। मेरी त्वचा एक नए जन्मे बच्चे और ईश्वर की सुंदरता के समान चिकनी और स्वस्थ है। मेरे बाल कोस कड़े हो गए हैं। मैं अपने बालों को अपने जगह में रहने की आज्ञा देता हूँ और जहाँ विकास की आवश्यकता होती है मैं अपने कोष में वृद्धि जारी करता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जवा, बंद और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ति सभी स्वस्थ और मजबूत हैं। मेरे सभी हार्मोन और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में है और अपने कार्यों को सामान्य रूप से निष्पादित कर रहा है। मेरी प्रजनन प्रणाली पर्याप्त मात्रा और गतिशीलता शुक्राणुओं का उत्पादन और जमा कर रही है। मेरी प्रजनन प्रणाली समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रही है। जन्म तक भ्रूण की रक्षा और पोषण करती है। मेरे शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका ठीक उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से
ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए रूपांकित किया है। यीशु के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरूपता को रोकता हूँ। मेरा पूरा मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान मसीह यीशु में परिपूर्ण है। हालेलुया, आमीन। मैं जानता हूँ पिता ईश्वर मुझे प्यार करता है। मैं जानता हूँ पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है। मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है। शालोम।